हेलो एवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर मैं विजुअल स्टूडियो के अंदर किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, से आपको यूज करना है, वो सारा कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। मैंने सिंपली क्या किया, गूगल में गया, गूगल में विजुअल स्टूडियो कोड एंटर किया। आप जैसे ये एंटर करेंगे जो सबसे पहला लिंक आता है https://code.visualstudio.com/download। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अगर आपका विंडोज़ है तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसमें भी 64 बिट एंड 86 बिट है। सो आपको आपका अगर कंप्यूटर 64 बिट का है वो हम चेक करेंगे अपना दिस पीसी पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर जाकर हम चेक कर सकते हैं। जैसे मैं प्रॉपर्टीज़ पर चेक करूँगा तो यहाँ पे 64 बिट लिख के आएगा, तो मतलब मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट का है। तो विंडोज़ के लिए हम लोग इस ऑप्शन यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर आपका लिनक्स वगैरह है या फिर मैक है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडो 11 के अंदर इस पर क्लिक करूँगा एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देता है एंड ये मेरा डाउनलोड अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। सो ये ऑटोमेटिकली 64 बिट ले रहा है, बट अगर आपका 86 बिट है तो आपको वो नीचे से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, इस 86 पर आपको क्लिक करना होगा। सो मेरा ये डाउनलोड हो गया है, मैं इसको ओपन करता हूँ। सो ये जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आई एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट, नेक्स्ट एंड देन ये मेरा जो लोकेशन है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एंड देन विजुअल स्टूडियो, इसमें मुझे क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन पे मैंने चेक कर दिया, बाकी सब बाय डिफॉल्ट है, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सो वीएस कोड जो है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है, मैं लॉन्च पे क्लिक कर रहा हूँ एंड फिनिश। सो ये मेरा विजुअल स्टूडियो जो है इंस्टॉल हो चुका है। स्टार्टिंग में इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके जो डेस्कटॉप होगा वो ओपन होगा। फाइल्स के अंदर जाना है आपको, प्रेफरेंस में सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से कुछ सेटिंग है, जैसे आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जूम का ऑप्शन होता है, ये इनेबल द फॉन्ट ऑफ द एडिटर यूजिंग माउस व्हील एंड होल्डिंग। तो जब कंट्रोल दबा के आप स्क्रॉल करेंगे तो जूम कर सकते हैं, अगर इसको आपको टिक करना होगा। सो इस तरीके से हमारा विजुअल स्टूडियो जो है वो ओपन हो जाता है। जैसे ही इंस्टॉल होता है आपको कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करने होंगे, इसके लिए आप यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। इस एक्सटेंशन में आपको सबसे पहले बेबल ES6 एंड ES7 जो है इनको इंस्टॉल करना होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। बेबल हम लोग इंस्टॉल इसलिए करते हैं कि जब भी आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कलर्स वगैरह आपको शो हो, एंड उसके बाद आपको जावा स्क्रिप्ट REPL जो है इसको इंस्टॉल करना होगा। तो ये दो चीज़ों को आपको इंस्टॉल करना होगा अगर आप जावा स्क्रिप्ट में अपनी फाइल को रन करा रहे हो। तो अभी मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ एक्सप्लोरर में जाता हूँ, यहाँ प्लस पे मैं क्लिक करूँगा तो एक नई फाइल मैं क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने हेलो एंड वर्ल्ड नेम से एक फाइल क्रिएट की एंड डॉट लगा के मुझे JS लिखना होगा। JS जो होता है एक्सटेंशन होता है जावा स्क्रिप्ट के लिए। मैं जैसे ही एंटर करूँगा ये मेरा जावा स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे ओपन हो जाता है। फिर मैं एक कोड लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए प्रिंट करने के लिए, हम लोग कॉन्सोल कॉन्सोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं। तो ये मैंने लॉग, जैसे ही मैंने लॉग टाइप किया पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो मैसेज हम प्रिंट करना चाहते हैं वो लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ये मैंने यहाँ पे रन किया एंड लास्ट में मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। अब इस लाइन जैसे मैं REPL को इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे ये एक रन का ऑप्शन आने लगता है, इस ये देख रहे होगे, ये JS REPL रन का ऑप्शन होता है। तो देखिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आप यही एक्सटेंशन इंस्टॉल करिए, आप कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। जैसे मैंने REPL को रन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें एक और एक्सटेंशन अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करना होगा, नोड JS। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ node.js। JS जैसे ही मैं टाइप करूंगा तो ये node.js.org यहाँ पर आता है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमें ये LTS जो है ये हमें डाउनलोड करना होगा, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ LTS। सो ये मेरा Node.js जो है वो डाउनलोड हो गया, मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो ये मैंने नेक्स्ट किया, आई एक्सेप्टेड द टर्म्स, पाथ बिल्कुल सही है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल एंड देन यस। सो Node.js में हम लोग वर्क तो नहीं करेंगे बट Node.js की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करना चाहते हैं। सो ये Node.js जो है और पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है, मैं इसको फिनिश करता हूँ एंड जैसे ही मैं फिनिश कर दिया अब मैं इसको चेक करूँगा कि क्या ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ स्टार्ट में जाकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया। इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैं टाइप करूँगा नोड स्पेस
-v एंटर। तो ये मेरा वर्जन यहाँ पे लिखकर आ रहा है, आपका कोई भी वर्जन जरूर शो होगा, अगर वर्जन शो नहीं होगा तो मतलब ये नोड जेएस जो है ये इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो मेरे में सक्सेसफुली नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है। तो ये जो मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करी थी इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो को क्लोज किया एंड देन उसको रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने पे मेरा वही फाइल ओपन हो रहा है, हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस। अब मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है ये मेरा नोड जेएस की वजह से हो रहा है, और ये जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे थे ये जेएस आरईपीएल की की वजह से आ रहा है, जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल किया था। एंड ये जो कलरफुल आपको दिख रहा है ये बेबल की वजह से दिख रहा है कलरफुल, जैसे कि हमारा कोड थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आपको तीन चीज़ें इंस्टॉल करनी होगी, सबसे पहले बेबल ES6 एंड ES7 एंड देन जावास्क्रिप्ट आरईपीएल एंड देन नोड जेएस जो मैंने इस वेबसाइट से इंस्टॉल किया था।